पंजाब केसरी जैन शासन महाराष्ट्र नु अहमदाबाद मा आगमन थयुं। भगवान महावीर स्वामी की श्रमण परंपरा में हमारे पंजाब देशोधारक परम पूज्य जैनाचार्य श्रीमद आत्मवल्लभ समुद्र इंद्रदीन सूर्य महर्षि की पाठ परंपरा के वर्तमान पटधर तथा पंजाब केसरी जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सूरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति शांतिदूत जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद श्री सूर्य महाराज साहेब अपने मुनि परिवार के साथ में आज राजनगर अहमदाबाद की धरती पर पधारे हैं। मैं उनका शिष्य मुनि मोक्षानंद विजय। तो गुरुदेव वर्षों के बाद में पद यात्रा करते हुए अहमदाबाद पधारे हैं और अहमदाबाद जैसे कि एक धर्म नगरी है, पुण्य नगरी है और इस अहमदाबाद में सैकड़ों की संख्या में साधु साध्वी जी भगवंत निरंतर आगमन करते हैं, चातुर्मास करते हैं, प्रवास करते हैं। गुरुदेव की वर्षों से भावना थी कि इस अहमदाबाद की धरती पर एक पालड़ी विस्तार में सुंदर एक भवन हो जिसके अंदर में आने वाले सभी साधु साध्वी जी भगवंत वहाँ पर स्थिरता कर सके, चातुर्मास कर सके और उस भवन के अंदर में उनके स्वास्थ्य के लिए हर तरह की सुविधा हो, विनय व्यवच संबंधी सारी सुविधाएं हों और वह अपने वो स्थान पर रह करके अपनी तप जप आराधना साधना कर सके, इस उद्देश्य से पालड़ी विस्तार में उन्होंने भक्तों को प्रेरणा दे करके और एक सुंदर भूमि का चयन करवाया और गुरुदेव की ही आज्ञानुवर्तनी कच्छ माकपट उद्धारी का साध्वी समता श्रीजी महाराज साहब, साध्वी जगत श्रीजी महाराज साहब की परिवार की शिष्याएँ साध्वी परिवर्तनी हेमलता श्रीजी महाराज साहब, साध्वी प्रज्ञलता श्रीजी महाराज साहब और साध्वी ज्योति प्रज्ञा श्री महाराज साहब की प्रेरणा से एक बहुत सुंदर भूमि यहाँ पर भक्तों ने खरीदी है और जिन शासन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से अब वहाँ पर एक सुंदर भवन का निर्माण होने जा रहा है, विजय वल्लभ समता जैन भवन के रूप में कल उसका प्रातः गुरुदेव के सानिध्य में भूमि पूजन और खनन का मांगलिक विधान प्रारंभ होगा और इस संपूर्ण भवन का निर्माण का लाभ, संपूर्ण संकुल के निर्माण का लाभ हमारे यूएसए में रहने वाले परम गुरुभक्त परम उदार मना जिनको कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जिनको कि लंदन में अहिंसा अवार्ड देकर के नवाजा गया ऐसे डॉक्टर श्रीमती मीराबेन और डॉक्टर श्री जसवंत भाई मोदी, उन्होंने ये संपूर्ण लाभ गुरुदेव की प्रेरणा से लिया है। तो कल का ये मंगलमय कार्यक्रम बहुत जल्दी ही ये कार्य निर्माण कार्य पूर्ण हो और गुरुदेव पुनः पधार करके अपनी निश्रा के अंदर में इस भवन का उद्घाटन कराएं ताकि ये भवन आने वाले सभी साधु साधी जी भगवंतों की साधना के लिए वह प्रदान किया जा सके। इस भवन के उद्घाटन के दौरान गुजरात अहमदाबाद से किन किन साधुओं को आपने इनवाइट किया? अभी तो कल इसका भूमि पूजन और खनन का विधान प्रारंभ होगा, उसके बाद में लगभग इसके निर्माण कार्य जब पूर्ण हो जाएगा फिर हमारे इस क्षेत्र में जो भी हमारे बड़े बड़े गुरु भगवंत होंगे, गच्छाधिपति भगवंत होंगे, साधु साधु भगवंत सबको आमंत्रित करेंगे ताकि सभी अपनी निश्रा दे करके और इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तकरीबन कितने होंगे? देखिए वैसे तो अहमदाबाद जो है वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर साधु साधु जी भगवंत विद्यमान रहते हैं, बड़े बड़े आचार्य भगवंत यहाँ पर रहते हैं तो हम चाहेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में जितने भी उस समय पधार सके वो सभी पधारे, सबका स्वागत रहेगा। घर जेवू जमवा पधारो, भुजमां सौथी सस्तु अने सारु घर जेवू जमवा एक वखत पधारी खात्री करो, शुद्ध शाकाहारी स्वादिष्ट अने चटाकेदार भोजन जमवा आजे ज पधारो। सवारे चा नास्तो, बपोरे तथा सांजे रात्रे जमवानू चालू छे, टिफिन सेवा पण चालू छे, मासिक छूटक जमवानू चालू छे, बहारना नाना मोटा ऑर्डर पर खास ध्यान आपवामां आवशे। संपर्क अतुलभाई मोता 9619282096 9082860028 एकम भवन मध्ये रहेवा जमवानी साथे डाइनिंग हॉल, बैंक्वेट हॉल तथा रूमोनी पर सुंदर सवलतो उपलब्ध छे। होटल इलार्क पाछळ स्टेशन रोड भुज कच्छ।